अस्सलाम वालेकुम साजिद अली भट्टी भाई, आप लाइव हैं, अली भाई से सवाल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साजिद भाई, कहाँ से आप? जी अली भाई, मैं पाकिस्तान से इलाके सिंध से ताल्लुक रखता हूँ, जिला नवाबशाह से। अभी मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ और मैं ड्राइविंग की जॉब करता हूँ। जी जी, अपना सवाल करें। जी अली जी, सवाल तो क्या सवाल ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं कारोबार करता हूँ रिक्शों का, जैसे कि मैं एक रिक्शा लेके आया, उसको मैं खर्चा करके उसके ऊपर 10,000-15,000 जिसमें मैं 1,00,000 रुपए में लेके आया, तो उसको मैं सेल करता हूँ किस्तों के ऊपर, जैसे कि 1.5 लाख हो गया या 1,65,000 हो गया। क्या ये मेरे लिए इस्लाम में जायज है? इसके हवाले से बिल्कुल जायज है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन करें। अरे भाई, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आज आपकी वीडियो देखी थी कि एक बंदा अपना जब बाप का नाम चेंज करता है, तो ये हमारे सिंध के इलाके में ना जो इस तरह के केस हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं। तो हमारे जो दो रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने जो ससुर के नाम है ना, वो उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है ना नाम चेंज किया। दरअसल में उसका अपने बाप का नाम जो है वो ही है, मगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड के ऊपर उन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है। तो इसके हवाले से थोड़ी क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या करते हैं, इससे क्या फायदा उठाते हैं वो? जी हाँ, उनके शनाख्ती कार्ड बनने का, एक का तो अबू फोत हो गया क्योंकि गांव के हिसाब से उनका ना डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है ना किसी और सिस्टम की इतनी सहूलियात वगैरह हैं, तो उसको जल्दी पड़ गई शनाख्ती कार्ड बनाने की वजह से। तो उसने ससुर का जो उसका जो कार्ड बना हुआ था उसके हिसाब से बनवा लिया, अगर उसकी बीवी जो है उसने फिर अपने चाचू के नाम से जो शनाख्ती कार्ड है तो उसने बनवा लिया। तो और दूसरा जो हमारे क्या किया है, ये क्या उसने हरकत की है, बीवी का भी बाप बदल दिया, अपना भी बाप बदल दिया, लानत कमाई है उसने, और क्या किया, जहन्नम कमाई है अपने लिए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने अपने बाप का नाम बदला उस पर जन्नत हराम है। फौरन से पहले जी उसे चेंज करवाए। डेथ सर्टिफिकेट कोई जरूरी तो नहीं होता शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कोई बाप को तो नहीं साथ वहां लेके जाना पड़ता, बाप का सिर्फ नाम होना जरूरी है, तो बाप का नाम तो मौजूद होता है, फैमिली ट्री तो ऑलरेडी मौजूद होता है, ये कौन सी उन्होंने जरूरी हरकत की है? तो उन्हें क्या फौरन से पहले से तब्दील करवाए, बिल्कुल गलत है ये। ठीक हो गया, चले पिक्चर बनवा ले। मेरी नमाज के मुताबिक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, अगर आप इजाजत करें तो मैं नमाज नहीं, गलत कर रहे हैं, दो सवाल हो चुके हैं, आप तीसरा सवाल आप वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं इंशाल्लाह। ठीक है, अपना पिक्चर बनवा ले। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।